जय अंबे। ब्रह्मांड में स्थित ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा के संतुलित स्वरूप को एकमात्र प्रकृति के माध्यम से ही देखा जा सकता है। प्रकृति ने इस अनमोल ऊर्जा का उपहार किसी न किसी रूप में संसार के प्रत्येक मनुष्य के अंतर मन में दिया है। प्रकृति से जुड़े विलक्षण सत्य के रूप में श्रीमती उषा अग्रवाल के अंतर मन से निकले ये शब्द प्रकृति से जुड़ी उनकी असीम और गहरी श्रद्धा को उजागर करते हैं। आज के युग में नित नए संशोधनों के द्वारा स्वास्थ्य, सुख और शांति को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा ने मनुष्य को अपने ही अंतर मन में छिपे ऊर्जा रूपी अनमोल उपहार की पहचान और शक्ति से पूर्णतः दूर कर दिया है। सुख, शांति और स्वास्थ्य रूपी अनमोल धरोहर को प्राप्त करने के लिए आज असंख्य प्रकार के अप्राकृतिक संशोधन किए जा रहे हैं। दैनिक जीवन से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि में संपूर्ण रूप से हुए मशीनीकरण ने हमें अपने ही आसपास प्रकृति से प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोतों से सर्वथा अनजान बना दिया है। आज मनुष्य प्रकृति के अनमोल ऊर्जा रूपी अमृत के विशाल सागर से एक बूंद भी लेने में अक्षम होता जा रहा है। नकारात्मक विचारों से मुक्त होने और जीवन में स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति को प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत प्रकृति और उससे जुड़े पंच तत्वों से मिलने वाली अंतर मन की ऊर्जा की शक्तियों को जहां पहचाना जा सकता है वह है योग निद्रा। सागर, झरने, बारिश या बूंद, इन सभी की गति को प्रकृति ने भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत से संवारा है। जल से उत्पन्न हुए प्राकृतिक संगीत के माध्यम से संपूर्ण मानसिक ऊर्जा की प्राप्ति का स्थान है योग निद्रा। अग्नि, अपने अंतर मन में स्थित तेजोमय ऊर्जा के दिव्य स्वरूप को प्रकृति के सानिध्य में दीपक रूप में प्रज्वलित अग्नि के अलौकिक और पवित्र प्रकाश के माध्यम से साक्षात्कार करने की असाधारण तपस्थली का नाम है योग निद्रा। वायु, खुशबू और रंग, प्रकृति की गोद में पुष्पों के रंग और सुगंध के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में अंतर मन की संतुलित ऊर्जा की शक्ति को जागृत करने का स्थान है योग निद्रा। पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी पर जननी रूपी प्रकृति के सानिध्य में आकाश रूपी पिता के साक्षात्कार के द्वारा अंतर मन की ऊर्जा में लयबद्धता, गतिशीलता और सकारात्मकता से जीवन को सही दिशा की ओर ले जाने का अमृतालय है योग निद्रा। ईश्वर के करकमलों में सुशोभित दिव्य वाद्य और उनके स्वरों का नाद हमें प्रकृति से एकाकार कराते हुए हमारे अंतर हृदय में उस दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है जिससे हमें अपने नकारात्मक दृष्टिकोण एवं विचारों से सदैव मुक्त रहने की शक्ति मिलती है। शिव के करकमलों में सुशोभित डमरू का नाद प्रकृति से एकाकार मनुष्य के अंतर हृदय में सुप्त गतिशील ऊर्जा को जागृत कर विकट से विकटतम परिस्थिति में भी शक्ति के संचार को बनाए रखता है। सरस्वती के करकमलों में सुशोभित वीणा के स्वर प्रकृति से एकाकार हमारे अंतर हृदय और मस्तिष्क में सुप्त ज्ञान रूपी ऊर्जा को जागृत कर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में हमारे मस्तिष्क के प्रत्येक अवरोध को नष्ट करते हैं। कृष्ण के करकमलों में सुशोभित बांसुरी के स्वर प्रकृति से एकाकार हमारे अंतर हृदय में सुप्त प्रेम तथा भक्ति रूपी ऊर्जा जागृत करते हैं। यह ऊर्जा प्राणी मात्र के लिए प्रेम और करुणा का भाव जगाने के साथ ही कठिनतम परिस्थिति में भी संतुलित रहने की शक्ति प्रदान करती है।
विष्णु के करकमलों में सुशोभित शंख के नाद से प्रकृति से एकाकार हमारे अंतरहृदय में सुप्त कर्म ऊर्जा जागृत होकर हमें किसी भी संकट का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। योग निद्रा वह गहन अनुभूति है जो पंच तत्वात्मक ऊर्जा एवं विभिन्न दिव्य वाद्यों के स्वरनाद द्वारा प्रकृति से एकाकार अपने अंतरहृदय में प्रत्येक सुप्त ऊर्जा को जागृत और संतुलित करने की उस क्षमता का निर्माण करती है जिसके द्वारा जीवन का प्रत्येक क्षण सकारात्मक तथा सार्थक बनता है। योग निद्रा वह दुर्लभ ऊर्जा स्थली है जहां हम अपने अंतर मन में सुप्त अवस्था में रही प्रत्येक ऊर्जा के जागृत होने की अनुभूति करते हुए अपने ही दिव्य स्वरूप से साक्षात्कार करते हैं।